हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की मराठी पाठ 5, दादास पत्र। दादा को पत्र। दादा मतलब क्या? यहाँ पे मराठी में दादा को क्या बोलते हैं? भाई। तो भाई को वो अपने पत्र लिख रही है। कौन? ये लड़की। इस लड़की का नाम क्या है? आयशा। वो आपको पता कहाँ से चलेगा? यहाँ से। देखो यहाँ पे, तुझी बहन आयशा, तो आपकी बहन आयशा, तो ये छोटी है, इसके लिए अपने भाई को क्या बोल रही है? दादा। और हम जानते हैं हिंदी में दादा को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर को दादा बोलते हैं, लेकिन मराठी में हम भाई को दादा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आप। और देखिए, पत्र लिखते हैं तो उसमें आपको कौन सा डेट लिख रहे हो, कौन से डेट को लिख रहे हो, वो तारीख होनी चाहिए। तो मराठी में आपको क्या लिखते हैं? दिनांक। ठीक है, और ये तारीख है। सो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। लेटर आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे मराठी में कैसे लेटर लिखना है वो यहाँ पे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय दादा, सब प्रेम नमस्कार। तो यहाँ पे आपने देखा, प्रिय दादा कॉमा दिया, फिर उसके नीचे से जस्ट थोड़ा सा जो दादा है वहाँ से स्टार्ट किया, सब प्रेम नमस्कार। तो यहाँ पे बोला प्यार भरा नमस्कार, फिर वहीं से स्टार्ट किया ये लाइन। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किया या यहाँ से स्टार्ट किया, नहीं, जस्ट उसके नीचे से ही। उसके बाद फिर ये होने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट किया। तो अब ध्यान दीजिए, दादा कालच्मी सहलीला जाऊं नाले। तो क्या बोलती है वो? कल ही, कालच मतलब कल ही मैं सहलीला मतलब कि पिकनिक से जाके आई। अरे इतकी मजा आली काय सांगू, अरे इतना मजा आया कि क्या बताऊं। या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्षा संबंधीची चित्रफीत दाखवली। तो बोल रही है इस महीने में विज्ञान केंद्र की तरफ से, विज्ञान केंद्र मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब यहाँ पे विज्ञान केंद्र का मतलब होता है कि साइंस इंस्टीट्यूट या फिर साइंस सेंटर। ठीक है, तो उसकी तरफ से, साइंस की सेंटर की तरफ से आमच्या शाळेत, हमारे शाला में, हमारे स्कूल में पक्षियों से संबंधित, पक्षियों संबंधित मतलब रिलेटेड टू बर्ड्स, क्या दिखाया गया? चित्रफीत दाखवली। दाखवली मतलब दिखाया गया, चित्रफीत मतलब क्या? तो चित्रफीत का मतलब शॉर्ट डॉक्यूमेंट जो होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा ज्योग्राफी चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे, तो उसमें बर्ड्स अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताते हैं, वैसा ही किसके बारे में बताया गया यहाँ पे? पक्षी से रिलेटेड उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाई गई। ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादानी सांगितलेली माहिती ऐकून यावर्षी शाळेची सहल एखाद्या। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा गया है ती, ती मतलब ये पाहुन, पाहुन मतलब ये देखकर, ये जो चित्र देखा हमने, जो मूवी देखा, ये देखकर, और जो ताई और दादा मतलब कि जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, जो उससे बड़े क्लास में हैं, ठीक है, तो उसको बोल रही ताई मतलब जो ताई दादा हैं, सब भाई बहन हैं, तो उन्होंने बताया, सांगित ले ली मतलब बताया, माहिती मतलब इन्फॉर्मेशन बताया। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रही, एक्यून मतलब, एक्यून का मतलब इस वर्ष शाळेची सहल, जो शाळा मतलब स्कूल की जो पिकनिक है, अभयारण्यातच न्याची असा हट आम्ही शिक्षका शिक्षका जवळ धरला। तो उन्होंने बोला कि उनसे इन्फॉर्मेशन हमें जो मिली, और हम लोगों ने मिल के क्या किया कि हम लोगों ने बोला कि इस साल का जो सहल है, पिकनिक है, वो देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? अभयारण्य मतलब सेंक्चुरी में, सेंक्चुरी में जाएंगे। अभयारण्य मतलब आपको पता है, जहाँ पे जो कम हो जाते हैं, जैसे कि अभी जो काला हिरन है, टाइगर है, या फिर जो अभी अलग अलग जो ऐसे एनिमल्स बर्ड्स हैं जो भी इंस्टिंक्ट होने वाले हैं, मतलब कि ख़त्म होने वाले हैं, पूरा विलुप्त होने वाले हैं, उनको संभाल के रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं अभयारण्य। ठीक है, वहाँ उनकी देख रेख की जाती है ताकि वो सुरक्षित रहें। तो हम वहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे? अभयारण्य में, जो कि सेंक्चुरी है। असाहट, ऐसा, ऐसी जिद हमने अपने शिक्षकों से, शिक्षकों के पास जाके की, जवड़ मतलब पास में, जो टीचर्स हैं उनके पास में गए, और ऐसी जिद की हमने, क्या जिद की? कि इस बार की जो हमारी पिकनिक है, सहल है, वो हम अभयारण्य में जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सहलीच्या दिवसी आम्ही पहाटेज निघालो। तो सहलीच्या मतलब पिकनिक वाले दिन, ठीक है, पिकनिक वाले दिन हम लोगों ने क्या किया? सुबह ही, एकदम भोर में ही, पार्टेज मतलब कि अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह ही, भोर में ही निकल गए हम, किसके लिए? सहल के लिए, पिकनिक के लिए। सोलापुर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलिया नानज गावाजवर मालढोक अभयारण्य आहे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सोलापुर जो एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, हमें पता है सोलापुर से जो बार्शी एक शहर है, बार्शी सिटी है,
तो सोलापुर से बार्शी के मार्ग में रास्ते में 22 किलोमीटर की दूरी पर एक नानज गाँव क्या है, नानज गांव है, ठीक है। उसके पास में ही क्या है, जबर मतलब पास में ही मालढोक, मालढोक अभयारण्य है, मालढोक अभयारण्य। तो मालढोक क्या है, आपने पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड में है, इंग्लिश थर्ड चैप्टर है आपका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, तो उसको ही बोलते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर उसका दिया गया है, तो हमने पढ़ा था, याद है आपको, मालढोक बोलते हैं उसको, आप ज़रूर 6th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, आपको याद होगा। तो कहाँ पे जो सोलापुर है उसके सोलापुर और बार्शी के रास्ते में ही 22 किलोमीटर की दूरी पे एक नानज गावा जो मतलब कि एक क्या है, गांव के पास में, ठीक है, नानज गांव के पास में, नानज एक गांव है, तो उसी गांव के पास में एक मांडोक अभयारण्य है, तो एक सेंचुरी है किसकी, बस्टर्ड की, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो ठर ले ला वेड़ी आमी तिछे तिथे पहुँच पहुँच ले। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठर ले लिया, ठर ले लिया का मतलब यहाँ पे क्या है, ठर ले लिया का मतलब, ठर ले लिया वेड़ी मतलब कि ठीक समय पे, जो मतलब जो उनका रिक्वायर्ड टाइम था, जो जिस पे उन्होंने निश्चय किया था कि इस टाइम पे हमें पहुँचना है, तो जस्ट उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, मतलब वहाँ पे पहुँच लो मतलब पहुँच गए। अब अभ्यारण्यथून फिरत अस्ताना सर सांगत होते, तो अभ्यारण्य में सेंचुरी में फिरते हुए घूमते हुए अस्ताना सर ने हमें ऐसा बताया कि भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या मांडोक्या अत्यंत दिखाण्या पक्षा पक्षाला वाचण्यासाठी वन विभागाना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भारत में ये जो मालढोक पक्षी है ये नष्ट होने के मार्गावर मतलब के कगार पे है, होने अच्छा मतलब होने के कगार पे है, इसीलिए मालढोक कैसा है, बहुत ही अत्यंत देखणीय मतलब बहुत ही सुंदर पक्षी है, तो उस सुंदर पक्षी को बचाने के लिए वन विभाग ने मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये अभयारण्य घोषित किया है। तो ये अभयारण्य जो है उसे डिक्लेयर किया है, मतलब कि एक जो पक्षी यहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पूरा ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से बोल दिया गया कि यहाँ पे कोई आएगा जाएगा नहीं, आएगा जाएगा मतलब तो उनसे परमिशन लेके आएगा जाएगा, कोई इनका शिकार नहीं कर सकता, हंट नहीं कर सकता, मतलब इनको सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे हम देखते हैं टाइगर रिजर्व किया जाता है, टाइगर होता है ना टाइगर रिजर्व, तो इस तरीके से उनको अच्छे से रखा जाता है, ऐसे ही इनको भी रखा गया है। क्या बताया टीचर ने यहाँ पे, टीचर ने बताया कि ये पक्षी होते हैं जो बहुत सुंदर हैं, और क्या हो रहा है भारत से नष्ट होते जा रहे हैं, नष्ट होने की कगार पे है, इसीलिए इतने सुंदर पक्षी को बचाने के लिए वन विभाग ने क्या किया, एक अभयारण्य घोषित किया है, और वही जो जहाँ पे वो लोग देखने गए हैं। माढ़ोक पक्षी शेत करियाचा मित्र है, और जो ये माढ़ोक पक्षी होते हैं ना, शेत करियाचा मतलब कि जो खेतिहर होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनके मित्र होते हैं। कारण क्या है इसका, कारण शेतातील किण्यावरत तो गुजराण कर, तो और ये जो ये माढ़ोक है ये क्या करता है, खेत के कीड़ों पर ही तो गुजार करता है, अपना गुजर बसर करता है, उस पर ही जीता है, मतलब उसी को खा के रहता है। तो इससे क्या होता है, उनके जो फार्मर्स के जो फसल हैं वो बचे रहते हैं, क्योंकि उसके कीड़े तो ये लोग खा लेते हैं, तो उनके जो फसल है वो ख़राब नहीं होती है। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घाड़त असल्याने त्याची संख्या कमी आहे, इनकी संख्या में क्यों कमी होती जा रही, क्यों नष्ट होते जा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि ये पक्षी जो होते हैं, ये पक्षी वर्ष में एक ही बार अंडा देते हैं। जैसे आप कबूतर देखोगे तो हम देखते हैं बहुत जल्दी जल्दी वो, आप देखोगे अगर आपकी खिड़की में तो बहुत जल्दी जल्दी वो अंडा देते हैं ना, लेकिन बाकी के भी पक्षी ऐसे देते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना इनके अंडे बहुत बड़े होते हैं, और होते होता क्या है कि ये साल में वर्षातुन साल में एक ही बार अपने अंडे को देते हैं, इसीलिए इनकी संख्या में कमी आ रही है। शिवाय इतर प्रणयानी माढ़ोक पक्षांची अंडी तुड़वली, और इसके अलावा क्या होता है कि जो दूसरे इतर प्राणी मतलब दूसरे भी पक्षी जो होते हैं या फिर जो एनिमल होते हैं, ये माढ़ोक पक्षी के अंडे को तोड़ देते हैं, खा जाते हैं उसे, इसकी वजह से भी इनकी संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, एक तो वो कम देते हैं साल में एक ही बार, और ऊपर से दूसरी चीज़ क्या है कि इनके जो मतलब जो हंटर्स होते हैं वो खा जाते हैं या फिर तोड़ देते हैं। दादा आम्ही हा माढ़ोक पक्षी अगदी जवळून व निरखुद बघितला, तो बोलते दादा हम लोगों ने इस माढ़ोक पक्षी को एकदम पास से देखा, निरखून मतलब पास से एकदम अच्छे से देखा, बघितला मतलब देखा, निरखून मतलब बहुत ही करीब से, जवळून मतलब उसके पास में से जाके देखा
काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच, बोलती क्या रंग है उसका और इसकी चोच कितनी सुंदर, मतलब बोलती कितनी सुंदर इसका, कितना सुंदर इसका रंग है, इसका चोच कितना सुंदर है। इतका देखना पक्षी मी या पूर्वी कधी बघितला नव्हता, तो बोलती है कि इतना सुंदर देखना मतलब सुंदर, इतना सुंदर पक्षी मैंने इसके पहले कभी भी नहीं देखा, बघितला मतलब यहाँ पे कभी देखा नहीं, तो इतना सुंदर पक्षी मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, माढोक पक्ष्या बरोबरच आम्ही चंडोळ माळ टिटवी तसेच इतर पक्षी ही पाहिले, और माढोक पक्षी के जैसा ही हमने चंडोल पक्षी भी देखा, माळ टिटवी देखा और कई सारे, मतलब यहीं पे मैंने, मतलब हम लोगों ने इस पक्षी को देखा। चंडोल माळ टिटवी क्या है वो मैं आपको उसका फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए ये क्या है, ये है चंडोल जो थोड़ी सी स्पायरों की तरह आपको दिखेगी, और ये देखिए ये है टिटवी, ठीक है माँ टिटवी, आई थिंक इसे टिटहरी भी बोला जाता है, आई एम नॉट श्योर बट शायद। हाँ तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे हमने ये दोनों पक्षी को भी दिखा, चंडोड़ को जो मैंने पहली पिक्चर दिखा जो स्पारो की तरह दिख रही थी, और माँ टिटवी, इन पक्षियों को भी हमने यहाँ पे देखा। आमच्या शिक्षकानी माढोक पक्ष्यांचे फोटो कमरियात टिपले, तो कमरियात मतलब कैमरा, तो हमारे जो शिक्षक हैं टीचर हैं उन्होंने माढोक पक्षी की फ़ोटो अपने कैमरे में निकाली। पक्ष्यांचे फोटो काढ़ा पूर्वी, पक्षियों की फ़ोटो निकालने के पहले, काढ़ा मतलब निकालने के पहले, वन खात्याची जो वन फॉरेस्ट जो वहाँ पे लोग हैं, ठीक है वन खात्याची, वन खात्याची का मतलब यहाँ पे वन विभाग वालों से, उनसे पूर्व परवानगी, उनसे पहले ही, पूर्व परवानगी का मतलब यहाँ पे क्या है प्री परमिशन, तो परमिशन लेना पड़ता है उनसे, ध्यावी लागले हे आम्हाला नव्या नंच समझल, तो ये बोल रही है ये हमें नई चीज़ मालूम पड़ी कि पक्षियों का फोटो भी निकालने से पहले जो वहाँ पे लोग रहते हैं जो देख रेख करते हैं, ठीक है वन विभाग वालों से, उनसे पहले ही पक्षियों का फोटो निकालने से पहले उनसे परमिशन लेना पड़ता है, कहीं कहीं पे तो अलाउड ही नहीं करते। ठीक है, जैसे कि आप प्राणी बाग में जाओगे तो अभी वहाँ पे क्या आया हुआ है, आया है जो आपने देखा होगा जो समुद्र के पास में जो रहता है ना वो फिश, जस्ट मिनट, पेंगुइन, हाँ मुझे याद आया पेंगुइन, ठीक है क्योंकि मैं सील और पेंगुइन थोड़ा कंफ्यूज थी, तो पेंगुइन जो है वो अभी वहाँ पे आया हुआ है, तो क्या करते हैं वहाँ पे फ़ोटो वोटो कुछ नहीं खींचने देते, फ़ोन निकालने ही नहीं देते, ठीक है तो ऐसा कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है, जस्ट मिनट, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि उन्होंने कैमरा से फ़ोटो निकाला, लेकिन उसका फ़ोटो निकालने से पहले उन्होंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वहाँ पे जो उनसे पूछा, पहले परमिशन ली। पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे, जो ये पक्षी होते हैं ये पर्यावरण को संतुलित करने का काम करते हैं, मतलब संतुलित मतलब बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बैलेंस करने का काम करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं हर कोई, हमें पता है कि इनका एक सर्कल जो है, ठीक है साइकिल जो है, चाहे पहले प्लांट्स की हो या फिर बर्ड्स की हो या एनिमल्स की हो, तो ये एक सर्कल बनाते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे अर्थ के लिए भी, ठीक है जैसे कि हम देखते हैं जो वल्चर होते हैं गिद्ध होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, या फिर जो हाइना या फिर जो जैकॉल होते हैं ये लोग क्या करते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनके फ्लेश खा जाते हैं, ताकि हम उससे क्या होता है हमारी अर्थ मतलब उसका जो संतुलन है वो बना रहता है, पॉल्यूशन नहीं फैलता। तो ऐसे ये भी हैं, ये क्या है बहुत ही अविभाज्य घटक हैं हमारे अर्थ के, हमारे पर्यावरण के, अविभाज्य मतलब अनडिवाइडेड एलिमेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये क्या करते हैं प्रदूषण को टालते हैं, मतलब प्रदूषण को दूर रखने की, मतलब इनकी कह सकते हैं ये जो प्रदूषण फैलता है उसे दूर करने का इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, जो एनिमल्स बर्ड्स होते हैं। ब्याच वहन करना त्याची प्रमुख भूमिका असते, तो यही मैंने आपको बताया कि प्रदूषण को दूर करने का इनका ब्याच मतलब कि जो बीज होता है, जो सीड्स होते हैं, ठीक है उसको कैरी करने का,
इनकी प्रमुख भूमिका होती है, मतलब कि प्रदूषण कम कैसे होता है, ये क्या करते हैं, बीजों को जो खाया यहाँ पे, ठीक है, कोई फ्रूट्स खाया, मान लीजिए पेरू खाया उन्होंने, अमरूद खाया, तो क्या करते हैं, तो उसके जो सीड्स होते हैं उनके पेट में चला जाता है, और क्या होता है कि ये जब एक्सक्रीशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपने पढ़ा है साइंस में, तो एक्सक्रीशन करते हैं तो वो जो उसके सीड्स होते हैं वो गिर पड़ते हैं जहाँ पे भी, तो वहाँ से प्लांट्स उगाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है ये अपने चोंच में फ्रूट्स लेके खाते रहते हैं और यहाँ वहाँ जाते हुए जंगल से या फिर कहीं से भी, मतलब कहीं पे भी ऐसे उड़ते रहते हैं, उड़ते उड़ते उनके मुंह से निकल जाता है, वो गिर जाता है, तो उससे भी वो क्या किया उन्होंने, सीड्स को कैरी किया ना, बियांच मतलब कि यहाँ पे बियांच मतलब कि बीज को वहन कैरी करते हैं, तो इससे प्लांट्स भी उगते हैं और इससे तो प्रदूषण दूर होगा ही ना। हे अमाच्या सरानी सांगितलेलं आम्हाला पटलं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसा हमारे सर ने बताया हमें तो हमें हमारी समझ में आया, ये सब उनके सर बता रहे हैं ये सारे कि किस तरीके से ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, कैसे प्रदूषण को दूर करते हैं, कैसे बीज को जो सीड्स है उसे कैरी करते हैं और प्लांट्स उगते हैं उससे, ये सारी चीज़ें टीचर्स बता रहे हैं उनके, तो ऐसा ये सारी बातें हमारे सर ने हमें बताया। आमची सहल अविस्मरणीय झाला, तो ये हमारी जो सहल है, पिकनिक है, ये अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय मतलब कि अनफॉर्गेटेबल, मतलब कि हम भूल नहीं सकते, इतना सुंदर ये हमारा पिकनिक था। दादा अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण का आली, तो बोलती है भाई जब मैं घूम रही थी यहाँ पे अभयारण्य में, सेंचुरी में जब मैं घूम रही थी तो मला तुझी खूप आठवण, मुझे तेरी खूब याद आई, कारण क्या कारण था, कारण तुला ही पक्षी खूब आवड़ात, क्योंकि तुझे भी पक्षी पक्षी तुझे भी बहुत पसंद है, आवड़ात मतलब कि तुझे भी बहुत पसंद है, इकड़े मी यहाँ पे मैं आई बाबा सब मज़े में है, तू कैसा है, तुझा अभ्यास कैसा शुरू हुआ है, तेरा अभ्यास जो तेरा पढ़ाई है वो कैसा चल रहा है, ठीक है, ये सब पूछती है, पत्र मिटता तुझी खुशहाली कड़व, तो यहाँ पे क्या बोल रही है, कड़व मतलब इन्फॉर्म करना, जैसे तुझे पत्र मिले तू मुझे इन्फॉर्म करना, मतलब पत्र लिखना, आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत, मैं तेरे पत्र की, मैं मतलब मैं आपके पत्र की वाट बघत मतलब वाट जोहूंगी, बघत मतलब देखूंगी, रास्ता देखूंगी मैं आपके पत्र का, तो जैसे ही तुझे ये पत्र मिले तो मुझे पत्र लिखना, कड़ो मतलब इन्फॉर्म करना, तो जैसे ही आपको ये पत्र मिले आप इसका रिप्लाई करना, मैं आपके रिप्लाई का आपके पत्र का वेट करूंगी, तुझी बहन आयशा, आपकी बहन आयशा, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा, कोई भी डाउट और कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करोगे तो पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करना, उससे क्या होगा जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली देख पाओगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट सेक्शन पूछिए, आपको इसका प्रश्न उत्तर जो है उसका अलग से वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ओके।